हाँ जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो भाईजान फाइनली एक और नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और हम फाइनली सऊदी अरबिया उमरा करने के लिए पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करो भाई, एहराम वगैरह पहन लिया, ओके की रिपोर्ट है ये भाई, पासपोर्ट। और ये कल याद होगा उस जात में बादाम मिले थे तो हम अपने साथ लेकर आ गए। बाकी जो ना मेरे को मेरा होटल नहीं मिल रहा था रात को, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो मैंने बोला फिलहाल कोई दूसरे होटल चलते हैं। एक दिन के लिए होटल लिया, मेरे को मिला ये 100 रियाल का भाई, तकरीबन पाकिस्तानी कोई 8-8.5 हज़ार कुछ बनते हैं शायद, इतना महंगा। ये देखो 3 डबल बेडों का मैं क्या करूँगा, मैं सिंगल बंदा, मैंने बोला मेरे को किसी शेयरिंग में दे दो कुछ सिंगल बेड, बोला है ही नहीं इधर ऐसा, तो मजबूरी में लेना पड़ा। तो फिलहाल यही बोलते चले, अगर आप चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। नहीं अभी चलेंगे इंशाल्लाह नीचे खाना वगैरह खाते, तकरीबन 4 बज चुके हैं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, खाना शाना खाते फिर उसके बाद इंशाल्लाह डायरेक्ट चलते हैं खाना काबा की साइड पे, अपना उमरा स्टार्ट करते हैं, उमरा वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। तो भाई तकरीबन हम अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं, ये देखो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अभी यहाँ से निकलेंगे, अंदर की साइड जाना भाई, खाना काबा की साइड पे जाना है, तो इधर अभी ज़्यादा व्लॉग नहीं बनेंगे क्योंकि तस्बीह पढ़ते हुए जाना पड़ेगा पूरे रास्ते, जब तक खाना काबा को नहीं देखते अपना तवाफ पूरा नहीं करते, तो उसके बाद ही अभी आपको डायरेक्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। तवाफ वगैरह सब कुछ करने के बाद आपको खाना काबा वगैरह इंशाल्लाह सब दिखाएंगे। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम अपना पहला वो क्या कहते हैं उमरा कंप्लीट कर चुके हैं। चेक करो भाई माशाल्लाह, हाय हाय ज़बरदस्त भाई। अभी आपको अंदर से वो अंदर से बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा नज़दीक से खाना काबा भी दिखाएंगे, इसके पीछे के साइड पे खाना काबा, क्योंकि अभी सफ़ा मरवा से मैं यूँ होकर आ रहा हूँ सात चक्कर ला के, अपना तवाफ पूरा करके दुआ वगैरह मांगेंगे अभी बैठ के, फिर आपको उसके बाद खाना काबा भी बिल्कुल नज़दीक से दिखाएंगे, उसके बाद मुझे समझा भी होना, तो अभी फिलहाल यहाँ दुआ वगैरह मांगते फिर आपको उसके बाद मिलते हैं। फाइनली आपका भाई गंजा भी हो गया ज़बरदस्त करके भाई, इधर तकरीबन 10 रियाल लिया जो पाकिस्तानी बन रहा है कुछ 700-800 रुपये दिए भाई इनको, सिर्फ गंजे होने के साथ 800 रुपये दिए, बहुत गलत करते यार। बाकी ये चेक करो इधर, इधर से इंशाल्लाह अपने साथ बहुत सामान लेकर आएंगे जो देंगे, किसी को भी नहीं सिर्फ अपने साथ लेकर आएंगे। बाकी रास्ता भी मैं बोलूँगा किस साइड से आया हूँ किस साइड से नहीं, चलते सीधा आपको जो मक्का है ना वो खाना काबा सॉरी वो इंशाल्लाह आपको कल दिखाएंगे बिल्कुल नज़दीक से जब कल आएंगे। अभी चलते हैं यहाँ से वापसी, फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो भाई सीन ऐसा है, फाइनली होटल पहुंच चुके हैं, इतना थक गया हूँ ना, तकरीबन भाई हमारे होटल से खाना काबा का 10 मिनट का रास्ता था और 1.5 घंटे में भाई मैं अपनी होटल पे पहुँचूँ, एक से पूछो वो यूँ भेज रहा है होटल का रास्ता भूल गया, दूसरा यूँ भेज रहा है, तकरीबन 1.5 घंटा लगा भाई अपनी होटल आने में, हालत ऐसी टाइट हो गई है ना। और तुम कसम से यकीन शायद करो नहीं, मैंने कल रात को जो खाया था उसमें क्या कहते हैं जहाज के अंदर खाना, उसके बाद मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया सिवाय वो एक बादाम के, और दूसरे और बादाम जो थे बाकी बचे हुए मैंने फ्रिज में रख दिए थे ठंडे होने के लिए। हाय 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 क्या ठंडे हो गए, गिरे वो गिर ही गए कुछ, कोई नहीं सारे उठाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, किसी चीज़ को हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, सब अपने सारे डेकर देंगे। अभी फिलहाल यहाँ से वापसी पैकिंग वेकिंग करते चलते अपनी दूसरी होटल पे जो बुक करी हुई थी, तो फिर आपको डायरेक्ट कल इंशाल्लाह खाना काबा आपको नहीं दिखा तो कल डायरेक्ट जा खाना काबा के बाद जाऊँगा डायरेक्ट उसी टाइम आपको मिलेंगे। ये क्या है, तो भाई अभी जो आपको इससे पहले वो मस्जिद दिखाई थी वो थी आयशा मस्जिद, और दूसरा वो करने के लिए उमरा करने के लिए भाई यानी मक्का के हदूद से बाहर जाके एहराम पहनना पड़ता, तो हम गए आयशा मस्जिद जो मक्का के एहराम उससे
क्या बोलते हैं हदूद से बाहर था, तो वहाँ गए राम वगैरह पहना। और ये खाना का आपको बिल्कुल जूम करके दिखाते भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो ज़बरदस्त यार। तो भी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजलो करम से हम अपना दूसरा उम्रा भी कर चुके हैं। इंशाल्लाह इरादा कल या फिर परसों इंशाल्लाह तीसरा उम्रा भी करेंगे। अपने उम्मती जितने भी ये सारे भाइयों बहनों सबों के लिए इंशाल्लाह एक उम्रा करेंगे। जज़ाकअल्लाह। अभी चलते हैं, अभी अंदर जाना सफ़ा मरवा की साइड पे, जहाँ थोड़ा दौड़ के भी चलना होता है। तो चलते हैं वहाँ सफ़ा मरवा पे, वो करते हैं, फिर उसके बाद वापसी गंजा होना है। जब गंजा हो जाएंगे फिर हमारा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरा उम्रा पूरा हो जाएगा। ऐसे ही चला ऐसे बस। अभी चलते हैं सफ़ा मरवा पे, पहले थोड़ा अपना वहाँ तवाफ पूरा करते, साथ चक्कर लगाते, फिर गंजा होने के टाइम पे आपको दोबारा मिलते। गंजे तो है लेकिन एक बार फिर गंजे हो जाएंगे अपना उम्रा पूरा करने के लिए इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं पहले सफ़ा मरवा, अपना तवाफ पूरा करते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। और भाई ये आबे जमजम का पानी ये हर जगह पड़ा हुआ होता है, तकरीबन पूरे खाना कहबा में मदीना में हर जगह पड़ा होता है। ऐसे एक गिलास उठाओ भाई पियो, और इस गिलास को वापसी इधर फेंक दो। एक गिलास सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होता है बस। अभी चलते हैं वापसी सफ़ा मरवा की साइड पर, अब वो पूरा करने के बाद ही आपको मिलते हैं। तो भाई सफ़ा मरवा पे भी बस आखिरी चक्कर रह गया, सफ़ा मरवा भी दिखाते हैं। ये देखो यहाँ से भाई ये पूरा सफ़ा मरवा जो है इधर नीचे से हरी लाइट से स्टार्ट होता है। रश देख, एक मिनट रश दिखाते हैं आपको भाई। ये देखो ये इधर आगे हरी लाइटें लगी हुई है, इधर से सफ़ा मरवा स्टार्ट होता है। रश देख भाई, ये बहुत सफ़ा मरवा जो ना बहुत ज़्यादा लंबा है। इस पर चलते चलते भाई तकरीबन टांगों में हल्का फुल्का दर्द हो जाता है। तो अभी चलते सफ़ा मरवा का आखिरी चक्कर लगाते हैं, फिर आप उसके बाद मिलते हैं। तो भाई अभी सीन ऐसा है, फाइनली हम अपनी होटल पर पहुंच चुके हैं। गर्मी देख सकते हो आप, पसीना देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो गर्मी कितनी ज़्यादा भाई, हालत टाइट हो गई है। और एक बार फिर से हम टकले हो गए। इधर हमारा दूसरा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, दूसरा उम्रा भी हमारा कम्प्लीट हो गया इंशाल्लाह। कोशिश है तीसरा भी करेंगे इंशाल्लाह ताला दो दिन में। और तो अभी इस व्लॉग को इधर ही एंड करेंगे। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पे कमेंट करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके अल्लाह हाफिज़।